रिसेशन रिसेशन एंड रिसेशन, क्या ये टर्म आप भी हर जगह सुन रहे हो? क्योंकि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि रिसेशन आ रहा है, IMF का कहना है कि रिसेशन आ रहा है, एंड इवन जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में टॉप इकोनॉमिस्ट के बीच सर्वे करवाया गया तो 2 out of 3 इकोनॉमिस्ट ने भी यही बताया कि 2023 में रिसेशन आएगा। और इसी बीच इंडिया में तो मैसिव लेऑफ्स भी हो रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि क्या रिसेशन आ गया है? आई एम श्योर यू गाइस आर आल्सो कंफ्यूज्ड एंड वांट टू नो द आंसर। तो आज की इस वीडियो में विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट रिसेशन, जैसे रिसेशन क्या होता है, किन रीजन से रिसेशन आता है, क्या इंडिया में रिसेशन आ गया है, और अगर आ गया है तो इसका हम जैसे नॉर्मल लोगों पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि रिसेशन आखिर कितना लंबा चलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। वर्ल्ड बैंक हैज पुट आउट अ डायर प्रेडिक्शन, इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। इट बिलीव्स दैट द ग्लोबल इकॉनमी मे फॉल इनटू अ रिसेशन नेक्स्ट ईयर, एंड अकॉर्डिंग टू द IMF ग्लोबल ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्लो टू 2.7% नेक्स्ट ईयर। द ग्लोबल इकॉनमी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉलिंग इनटू रिसेशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसेशन होता क्या है। जब भी किसी कंट्री की क्वार्टरली GDP कंटिन्यूअसली 2 या उससे ज्यादा बार नीचे गिरती है तो इस सिचुएशन को रिसेशन कहते हैं। एंड फॉर दोज़ हू डोंट नो कि GDP क्या होती है, तो GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट आप इस फैंसी टर्म पे मत जाओ, आप सिर्फ इतना समझो कि जितना भी पैसा कोई कंट्री एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर कमाती है वो कंट्री की एनुअल GDP होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर की कपड़ों की दुकान है और आपकी मदर का ब्यूटी पार्लर, तो जो भी पैसा आपके मदर एंड फादर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर कमाएंगे कंट्री की एनुअल GDP में इंक्लूड होगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू रिसेशन। रिसेशन की सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे बाइंग एंड सेलिंग कम हो जाती है, बिकॉज लोगों के पास अपनी मनपसंद चीजें खरीदने के पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। बिकॉज जब मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी? और जब मार्केट में डिमांड कम होती है तो बिजनेसेस गुड्स एंड सर्विसेज भी कम प्रोड्यूस करते हैं, और कम गुड्स एंड सर्विसेज का सीधा मतलब है कि लेबर कम यूज होगी एंड जॉब कट्स होंगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब हमने समझ लिया है कि रिसेशन क्या होता है, अब ये जान लेते हैं कि क्या इंडिया में रिसेशन चल रहा है। इफ वी गो बाय द डेफिनेशन व्हिच स्टेट्स दैट इफ अ कंट्रीज GDP इज डाउन बाय 2 subsequent quarters इट इज टर्म्ड एज रिसेशन। सो यस, वी आर इन अ रिसेशन। हियर इज द डेटा सपोर्टिंग माय स्टेटमेंट। सी दिस चार्ट शोइंग इंडियाज GDP फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। क्वार्टर 1 में हमारी GDP 13.5% थी, जो गिर के क्वार्टर 2 में 6.3% हो गई, एंड अगेन इन क्वार्टर 3 GDP और गिर के 4.4% हो गई। इवन इफ यू सी ईयर वाइज GDP, इट टेल्स द सेम थिंग। इन 2021 आवर GDP वाज 8.68%, जो गिर के 2022 में 6.84% हो गई। और फोरकास्ट में ये भी बताया जा रहा है कि 2023 में GDP और गिर के 6.06% तक हो जाएगी। टू कंफर्म फर्दर ऑन रिसेशन, टेक अ लुक एट दिस चार्ट शोइंग GDP ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी USA, व्हिच फर्दर इंडिकेट्स दैट वी कुड बी इन अ ग्लोबल रिसेशन। ये सब डेटा देखकर आप सोच रहे होंगे बट गवर्नमेंट ने तो रिसेशन के बारे में कुछ बताया नहीं। वो इसलिए बिकॉज रिसेशन इज अ बैकवर्ड इंडिकेटर, यानी इसे बाद में अनाउंस किया जा सकता है। गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को स्टडी करती है और उसके बाद ही रिसेशन अनाउंस करती है। ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें काफी टाइम लग जाता है। जब 2007 में रिसेशन आया था तो उसकी अनाउंसमेंट भी एक साल बाद 2008 में हुई। नाउ आई एम क्वाइट श्योर कि आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन होगा कि ये रिसेशन आता कैसे, इसके रीजंस क्या हैं। रिसेशन के पीछे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, बट जनरली किसी भी रिसेशन से पहले इकॉनमी इन्फ्लेशन से होकर गुजरती है। अगर करंट रिसेशन को देखा जाए तो इसके रीजंस मेनली COVID-19 एंड रशिया यूक्रेन वॉर। बट इंडिया में इसकी शुरुआत 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद ही हो गई थी। अगेन सी दिस टेबल शोइंग इंडियाज GDP इन डिफरेंट ईयर्स। 2016 में इंडिया की GDP 8.26% से ग्रो हो रही थी, बट सडनली गवर्नमेंट ने नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, एंड द नेक्स्ट ईयर ग्रो ड्रॉप टू 6.8%। Then it further dropped to 6.4% in 2018 and 3.4% in 2019. और फिर 2020 में COVID-19 pandemic आया, which collapsed the global economy. और इस बार इंडिया की GDP negative में ही चली गई। फिर 2020 में गवर्नमेंट ने काफी पैसा इकोनॉमी में डंप किया टू रिवाइव इट। गवर्नमेंट ने कितना पैसा डंप किया एंड कैसे कंट्री को रिसेशन से बाहर निकाला, ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जैसे ही पैसा इकोनॉमी में आया, हमारी इकोनॉमी फिर से ट्रैक पर आ गई, एंड 2021 में हमारी GDP 8.68% से ग्रो, एंड 2021 में 6.84% से। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, जैसे इकॉनमी में ज्यादा पैसे आया तो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई, बट सप्लाई लिमिटेड ही रही, जिसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ने लगे और इन्फ्लेशन की शुरुआत हुई। बट इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तब और ज्यादा बढ़ गई जब 2022 की स्टार्टिंग में रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर अनाउंस किया। इस वॉर ने शुरू होते ही ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया, बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन पूरे वर्ल्ड की 1/3 वीट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और रशिया तो पूरे वर्ल्ड में
क्रूड एंड रिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी था। जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड हुई तो एसेंशियल कमोडिटीज जैसे फूड एंड फ्यूल प्राइसेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ने लगे और इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज श्रीलंका और पाकिस्तान की तो इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई। ये सब देखते हुए इंडिया का फाइनेंस रेगुलेटर RBI हाइपर एक्टिव मोड में आ गया और इन्फ्लेशन कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाने लगा। RBI रेपो रेट तब बढ़ाता है जब उसे इकोनॉमी में पैसे का इन्फ्लो कम करना होता है। पैसे का इन्फ्लो कम करने से डिमांड कम हो जाती है एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। ये कुछ ऐसे वर्क करता है, जब भी RBI रेपो रेट्स बढ़ाता है तो बैंक से लोन लेना कॉस्टली हो जाता है, जिसके कारण कम लोग बैंक से लोन लेते हैं एंड इकोनॉमी में पैसे का इन्फ्लो कम हो जाता है। जब लोग लोन्स कम लेते हैं तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर कम होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई सेम रहती है इसलिए प्राइसेस नीचे गिरते हैं। इन एन एफर्ट टू फाइट इन्फ्लेशन RBI ने लास्ट 10 मंथ्स में रेपो रेट को 6 बार बढ़ाया है। जो रेपो रेट मई 2022 में 4.4% था वो बढ़कर मार्च 2023 में 6.5% पहुंच गया है। सो डीमोनेटाइजेशन, COVID-19 पेंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर एंड राइजिंग इन्फ्लेशन ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन किया एंड यही कुछ रीजंस है जिन्होंने इंडिया को रिसेशन में डाला। Now you know the causes of recession, so let's understand कि recession end कैसे होता है और इसमें government क्या role play करती है। Well, recession का simple language meaning होता है मंदी, और मंदी तब आती है जब economy में demand कम होती है और supply ज़्यादा। Demand कम होने का मतलब होता है economy में पैसे की कमी। अगर economy में पैसे का flow stable हो जाए तो recession खत्म हो जाता है। तो जब भी किसी government को recession से बाहर निकलना हो तो वो economy में पैसे का flow increase कर देती है, जिससे demand increase हो जाती है और economy वापस track पर आ जाती है। Money के flow को increase करने के लिए government RBI को रेपो रेट्स कम करने को बोल सकती है एंड बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस भी प्रोवाइड करवा सकती है। इसको लास्ट रिसेशन के एग्जांपल से समझ लेते हैं। 2018 से 2020 भी रिसेशन का ही पीरियड था, बिकॉज सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई थी, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और काफी लोगों के पास तो बेसिक नेसेसिटीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में अब गवर्नमेंट को इकोनॉमी को रिवाइव तो करना ही था, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस भी लॉन्च किए। जैसे बिजनेसेस को 3 लाख करोड़ तक के कोलेटरल फ्री लोन्स बांटे गए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया गया, 8 करोड़ फैमिली को फ्री गैस सप्लाईज प्रोवाइड कराई गई एंड 40 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्ट कैश असिस्टेंस भी मिला। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंडर अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, जिससे इकोनॉमी में 39,293 करोड़ की वैल्यू एड हुई। इसके अलावा भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की क्रेडिट स्कीम्स बनाई, इमरजेंसी फंड्स बनाए एंड MSMEs एंड SMEs को लो इंटरेस्ट लोन्स बांटे। इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में डाले टू फाइट पेंडेमिक इन 2020, विच इज क्लोज टू 10% ऑफ एंटायर इंडियाज GDP। 20 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज ने इकोनॉमी को बूस्ट दिया एंड इन दैट ईयर ओनली आर इकोनॉमी ग्रू एट अ स्टैगरिंग रेट ऑफ 15% एंड टर्न्ड पॉजिटिव। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि रिसेशन का नॉर्मल लोगों पर क्या इंपैक्ट होगा। लेऑफ्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेऑफ्स जो एम्प्लॉयज का सबसे बड़ा डर है वो सच होने वाला है। इस टाइम पर टेक कंपनी सबसे ज्यादा लेऑफ्स कर रही है। अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो तो आप इन लेऑफ्स के बारे में अवेयर होंगे। इवन बड़े बड़े स्टार्टअप्स जैसे बायजूस, ओला, कास्ट24, मीशो ने तो लेऑफ्स करना स्टार्ट भी कर दिया है। 2023 में स्टार्टअप वर्ल्ड का टोटल लेऑफ्स काउंट 22,900 हो गया है। और अभी 2023 के 3 महीने भी नहीं हुए और लाइवमेंट का एक आर्टिकल बताता है कि ये नंबर अगले 6 महीने में और ज्यादा बढ़ने वाला है। और तो और सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर से ये नंबर लैक्स में भी जा सकता है। सिंस स्टार्टअप फंड रेज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपनी वर्किंग कैपिटल सेव करने के लिए इन्हें लेऑफ्स करने पड़ रहे हैं। बट लेऑफ्स सिर्फ स्टार्टअप्स में ही नहीं हो रहे, बड़े बड़े टेक जायंट जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न एंड फेसबुक, ये सब भी कंटिन्यूअसली लेऑफ्स कर रहे हैं। एंड लेऑफ्स सिर्फ टेक सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाले, धीरे धीरे ये मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सेक्टर्स में भी होने वाले हैं। इवन कई बड़ी कंपनीज ने तो फ्यूचर में होने वाली हायरिंग्स पर भी रोक लगा दी है। रिसेशन की सिचुएशन में नई जॉब्स ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप रिसेंटली नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देर आर हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन ना हो, इसलिए ट्राई करिए कि आप अपनी सेम जॉब पे ही रहें। एंड लास्टली, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो अवेयर हो जाओ, बिकॉज स्टॉक मार्केट भी डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि रिसेशन का हम पर क्या इंपैक्ट होगा, अब फाइनली ये भी जान लेते हैं कि ये रिसेशन कितना लंबा चलेगा और ये कब खत्म होगा। वेल, ये प्रेडिक्ट कर पाना कि रिसेशन कब खत्म होगा काफी डिफिकल्ट होता है। इवन आरबीआई भी ये नहीं बता सकता कि रिसेशन कब खत्म होगा। ऑन हिस्टोरिकल डेटा वी कैन से दैट जनरली ये 12 टू 18 मंथ्स तक चलता है। ऑन द अदर साइड, टू चेक वेदर रिसेशन इज ओवर और नॉट, यू कैन ऑलवेज टेक अ लुक एट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, GDP एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब ये इंडिकेटर स्टेबल परफॉर्म कर रहे हो और क्वार्टरली इंप्रूव भी हो रहे हो तो इट इज अ गुड साइन दैट इकोनॉमी इज रिकवरिंग एंड द रिसेशन इज गेटिंग ओवर। ऑल्दो ये एक साथ मूव नहीं करते, बट इफ दे टर्न पॉजिटिव विद इन द मंथ ऑफ ईच अदर, इट इज अ गुड साइन।
सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इनसाइटफुल वीडियोज़.